नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत अपने में पूर्ण ग्रंथ है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में हुआ करती है। भगवान वेदव्यास की अंतिम कृति है और इसमें भगवान के गुण गाए गए हैं। यद्यपि भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा, वेदों का विभाजन किया, 17 और पुराण लिखे, लेकिन मन को कुछ संतोष नहीं हुआ और तब व्यास जी की आज्ञा से बद्री का आश्रम में माना व्यास गुफा मणिभद्रपुर कहते हैं, श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और यही श्रीमद् भागवत शुकम अध्यापया मासः, अपने बेटा सुग्रीव को पढ़ाया। और ये भागवत भागवत की जन्मभूमि भगवान बद्री विशाल जी के ठीक सानिध्य में है। इसमें 12 स्कंदों में मुक्ति का ग्रंथ, इसकी कथा भारतवर्ष में अपितु सारी दुनिया में मुक्ति के लिए होती है, पितरों के निमित्त होती है, सुख शांति के निमित्त होती है। और अनेक श्लोक मुख्य रूप से देखें तो भगवान कृष्ण का चरित्र, और मुख्य रूप से देखें तो राजा परीक्षित जिसे सर्प से दंश हुआ उसकी मुक्ति की कथा है और भगवत प्राप्ति की कथा है। विशेषतः ये कथा हमको सिखाती है यथार्वकस्व प्रतिबिंब अभिभ्रमा, हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान ही हैं, बस बिछड़ा हुआ अंश पूर्ण की ओर जाना चाहिए, हम पूर्ण की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। और ये रास्ता दिखाता है भगवत, तुम तो राजा मलश्यति पशु बुद्धि मिमाम जही, राजन तुम्हारी मृत्यु हो गई, ये पशु बुद्धि है, जाते से ध्रुव मृत्यु, ये शरीर का जन्म हुआ शरीर मरेगा, न तुम मर सकते हो, न तुम जल सकते हो, न तुम्हें कोई मार सकता है, और न जा करके किसी प्रकार का तुम्हारा क्षय हो सकता है, क्योंकि पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, पूर्ण भगवान है, पूर्ण मतलब पूर्णात् पूर्ण गच्छति, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, वो पूर्ण ही होता है। ये शरीर गीता में भगवान का स्पष्ट वाणी है भगवान की, कि वासान से जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान निन्यानि संयाति नवानि देहि। कपड़ा पुराना हो गया बदल दिया, नया कपड़ा खरीदा, 2 साल वो भी चला, 2 साल बाद वो भी बदल दिया, ऐसी शरीर बदला जाता है। आत्मा न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भूतावान हुया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो नन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर जाता है, शरीर जाता है और कई लाख योनि में शरीर घूमता रहता है। आत्मा चिदन से ये मरती नहीं है, यही राजा ने सीखा। और यही सीखा कि 7 दिन में राजा तेरी मृत्यु होगी, ये सारा संसार 7 दिन में ही जाता है, दिन ही कुल 7 होते हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, कुल दिन ही 7 होते हैं, और सारी दुनिया इस 7 दिन में राजा विदा होती है, तुम्हारे लिए कोई विशेष बात नहीं है। और राजा ने कथा सुनी और मृत्यु भय से राजा बच गया, सर्प आए 50 आए डसे, मैं नहीं मरने वाला, ये शरीर जाने वाला है, फिर नया मिलेगा, मुक्त हो गए तो भगवान में लीन हो जाएंगे, नया मिलेगा, जिस प्रकार कपड़ा बदला स्त्री भगवत है। ये भक्ति का ग्रंथ है, ये मुक्ति का ग्रंथ है, ये मोक्ष का ग्रंथ है, ये सिखाता है कि जीवन जीना और जीने के बाद उत्तर यानी मरणोपरांत व्यक्ति कैसा जाता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, ये असली विज्ञान है। और भगवान वेदव्यास की अपनी असली कृति है, और कृष्ण प्राप्ति का भक्ति प्राप्ति का इससे ऊंचा कोई साधन है ही नहीं। इसमें भगवती